अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। निशा बेगम का लजीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। व्यूवर्स, निशा बेगम का लजीज किचन से आप सबके लिए कुछ वेज आइटम में डिश बनने वाला है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही टेस्टी, हर कोई खा सकते हैं, मसालादार। तो चलिए, आज जो हम बनाने वाले हैं, आलू, यहाँ पे देखिए आलू, बैंगन और कलमी साग। देखिए, एक चचड़ी बनाएंगे, इतना टेस्ट होगा जो क्या बताएंगे। जैसे जैसे हम बनाएंगे उसी टाइप का आप भी बनाइएगा, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त लगेगा, हर किसी को पसंद होगा और हर किसी का साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए आज हम चूल्हा पे ही आपको हर चीज दिखाएंगे। तो देखिए, चूल्हा पे की जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सारा सब्जी वगैरह मसाला वगैरह हम रेडी कर लिए हैं, आपको जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे बताएंगे। यहाँ पे देखिए, चूल्हा पे हम कढ़ाई बैठा दिए हैं, फ्लेम हम ऑन कर दिए हैं, फ्लेम लो था, अब हम हाई कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सरसों ऑयल ऐड कर देंगे, तकरीबन हम 50 ग्राम सरसों ऑयल इसमें ऐड करेंगे। तेल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे, तब तक हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, एक बड़े साइज का प्याज लिए हैं, इसको हम इस टाइप का बारीक काट लिए, आप देख सकते हैं एकदम महीन महीन इस टाइप का हम काट किए हैं। और देखिए, यहाँ पे हम मछली का मसाला लिए हैं, मछली का मसाला हमारा वीडियो छोड़ा हुआ है, हमारा चालान में जाके इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा चेक करने में, फिर भी हम इसका मेजरमेंट बता दे रहे हैं। ये चम्मच में हम लिए हैं हाफ चम्मच सरसों, हाफ चम्मच जीरा, हाफ टी स्पून छोटा टी स्पून में हाफ टी स्पून लिए हैं हम लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लिए हैं धनिया पाउडर और हरा मिर्चा 2 से 3, लहसुन लिए हैं हम इसमें, इसमें भी लहसुन दिया हुआ है, इसमें सोचिए जो 1.5 टी स्पून का लगभग लहसुन है, अदरक 25 ग्राम से 30 ग्राम का लगभग हम दिए हैं। आइए सारा चीज को बढ़िया से मिक्स करके हम पेस्ट बना लिए, बस इतना ही मेजरमेंट इतना साग में आएगा जितना हम सब्जी यहाँ कट किए हैं। यहाँ पे देखिए, 1 चम्मच हम लहसुन का पेस्ट अलग से लिए हैं। यहाँ पे देखिए, 2 से 3 हम तेज पत्ता लिए हैं, 1 तेज पत्ता हमारा कढ़ाई में चला गया है, 2 हाथ में है, इसको हम ऐड कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। यहाँ पे 4 पीस हम लाल मिर्चा लिए हैं सूखा हुआ, इसका डंडी हम तोड़ दिए, इसको बढ़िया से हम फ्राई कर लेंगे एकदम गोल्डन ब्राउन। मिर्चा डालते ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा क्योंकि तेल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए बस इतना ही, काला का जैसा हो जाएगा मिर्चा तभी ऐड कीजिएगा, हल्का करके नहीं लीजिएगा, साग में थोड़ा डीप फ्राई कीजिएगा मिर्चा को, जैसे कि देखने में कालापन लगे। तो देखिए, ये हो गया है। अब प्याज इसमें हम ऐड कर देंगे, सारा प्याज ऐड करके इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन होकर आ गया है, हम हल्का ही गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, अब इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे, 1 पीस बैंगन लिए हैं, तकरीबन 200 ग्राम का लगभग है बैंगन। अब यहाँ पे देखिए, 1 टीस्पून नमक हम इसका ऊपर में इस तरह का ऐड कर देंगे। अब इसको हम हल्का फ्राई करेंगे, पहले बढ़िया से हम चला लेंगे इसको, ये देखिए इस टाइप का। चला लिए हैं, अब इसको हम ढक के फ्राई करेंगे 2 मिनट, इसका पानी सूखने तक हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे और ढक के ही हम पकाएंगे। तो देखिए, 2 मिनट का लगभग हम फ्राई किए हैं, बीच में एक बार दो बार हम चला लिए थे इसको, फिर से एक बार हम इसको चला लेंगे इस टाइप का, ये देखिए। देखिए, अभी इसमें और एक मसाला जाएगा जो हम आपको दिखाए नहीं है। इसमें देखिए,
पांच फोरन हम 2 टीस्पून इसी का ऊपर में हम देंगे। इसमें हर चीज है, हम यहाँ पे देखिए 2.5 टीस्पून दिए हैं, आप 2 टीस्पून भी दे सकते हैं 2 टीस्पून। अब देखिए इसको इसी में हम चलाते रहेंगे, हम इसीलिए इसको दिए फ्राई करने का बाद ये फ्राई हो जाएगा। यहाँ तेज पत्ता सूखा मिर्चा का जो एक खुशबू होता है वो हमारा आलू और बैगन में फैल चुका है। उसका बाद जब हम पंचफोरन देखिए इसको इस टाइप का चलाएंगे तो इसका भी खुशबू इसमें फैल जाएगा। इस टाइप का देखिए बैगन हमारा होके आ गया है, आलू भी हमारा आधा हो गया है और बाकी जो बचेगा साग में होगा। उसका पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सारा मसाला है वो मसाला हम ऐड कर देंगे। आइए मसाला ऐड करके इसको हम बढ़िया से भूनेंगे। आलू बैगन का था तकरीबन 1 मिनट। इसमें हल्दी भी है, हम बोलना भूल गए हैं, इसमें हल्दी भी 1 टीस्पून का लगभग है। इसी टाइप का इसको हम चला लेंगे, आप फ्राई कर लेंगे 1 मिनट। तो देखिए मसाला ऐसे तो गोटा मसाला देके जो हम फ्राई किए उसका खुशबू अलग है, अभी जो मसाला दिए इसका भी खुशबू अलग है। ये दोनों जब मिक्स हो जाता फ्राई होता तो इतना जबरदस्त खुशबू निकलता क्या बताएं। ऐसे सेहत के लिए साफ सब्जी खाना भी बहुत ही जरूरी है, साग हमेशा इंसान को खाना चाहिए। तो एक किस्म का खा सके आप बोर हो जाते होंगे, इसीलिए तरह तरह का हम लाते हैं ताकि आप खा सकें, नया नया खाने में अच्छा लगता है अगर ऐसा बनाए आप। तो देखिए इसको हम फ्राई कर लिए हैं, यहाँ पे जो साग है ये साग हम इसी के ऊपर में ऐड कर देंगे और हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए कच्छू हटा देंगे, यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे, हमने 1 टीस्पून पहले दिए हुए हैं और अभी हम 1.5 टीस्पून लेंगे। ये हमारा सब्जी के लिए जो सामान हम काटेंगे एकदम परफेक्ट है। अब देखिए मसाला भी हमारा नीचे में फ्राई हो रहा है और यहाँ पे हम ये वाला बाटी में 2.5 बाटी पानी ऐड कर देंगे, आप चाहे तो 3 बाटी कर दीजिएगा। ये 100 ग्राम का बाटी है तो हम यहाँ पे 250 ग्राम पानी ऐड करेंगे। तो देखिए पानी हम ऐड कर दिए हैं, अब इसको हम थोड़ा सा इस टाइप का चला लेंगे ताकि नीचे में पानी पहुंच जाए, जो मसाला वगैरह बॉइल रहेगा वो भी थोड़ा निकल जाएगा, लेकिन साग हमारा ऊपर में ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसको हम मिक्स कर लिए हैं, अब इसको हम ढक देंगे, ढक के हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, उसका बाद फिर आपको दिखाएंगे। तो देखिए 4 मिनट हो गया है, फ्लेम हमारा हाई है, अब इसका हम थोड़ा सा ढक्कन खोल लेंगे और देखिए इसको हम क्या करेंगे पलटी कर लेंगे। आप 2-3 मिनट में चला लीजिएगा, आपका अंदाजा नहीं होगा, अगर पानी कम दे दिए होंगे चाहे कुछ भी कम होगा तो जल सकता है, आप बीच में 2-3 मिनट चला लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। अगर आपका अंदाजा है तो फिर जैसे ही टाइम में हम यूज किए वही टाइम में आप भी यूज कीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला चम्मच में हम 5 चम्मच सरसों है कच्चा इसमें ऐड करेंगे। उसका पहले क्या करेंगे, फ्लेम हम लो कर देंगे, लो फ्लेम में अब इसको हम पकाएंगे 4 से 5 चम्मच। हम यहाँ पे 4 चम्मच ऐड करेंगे कच्चा, ये देखिए चारों तरफ, और इसको हम ढक देंगे। फिर से हम 4 मिनट के लिए इसको ढक देंगे लो फ्लेम में, 4 मिनट बाद फिर मिलेंगे, बीच में हम इसको एक बार चला लेंगे हल्का।
चार मिनट हो गया, फिर हम आ गए हैं, ढक्कन खोल लेंगे हम। अब देखिए कच्चा तेल का खुशबू पूरा फैल गया है, फिर से इसको हम चला लेंगे। ये देखिए अब देखिए फ्लेम हाई कर देंगे और इसको इस तरह का थोड़ा सा हम पूछ लेंगे और छिलका ये जलिए, इसका थोड़ा पानी हम सुखा लेंगे। एक से डेढ़ मिनट इसको हम इस टाइप का फ्राई करेंगे चलाते हुए। देखिए डेढ़ मिनट हो गया है चलाते हुए हमको, बस इसका थोड़ा सा पानी सूखने पर और इस टाइप का गाढ़ा होने पर ये देखिए इसी टाइप का होगा। इतना खुशबूदार लगता है ये सब्जी और खाने में इतना टेस्टी लगता है और कम सामान में कम टाइम में ये बन के रेडी हो जाता है। फ्लेम ऑफ कर देंगे हम, आपको चूल्हा पे ही दिखा दे रहे हैं। अभी चूल्हा गर्म है, हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लेट हम रख लेंगे इस टाइप का, चाहे इस टाइप का रख लीजिए, नहीं तो ये जल जाएगा नीचे से। अब देखिए साग एकदम जबरदस्त लग रहा है ना, देखिए देखने में जितना सुंदर लग रहा है खाने में इससे कहीं ज्यादा टेस्टी है। कोई भी चीज बनाया जाए मन लगा के तो वो बेकार नहीं होता है, कढ़ाई में से सारा निकाल लेंगे। अब देखिए साग का हमारा क्वालिटी, जो डिश हम बनाए हैं सब्जी उसका देखिए क्या जायका है, क्या खूबसूरती है। अल्लाह ताला सारा चीज खाने का जरिया दिए हैं इंसान को टेस्ट लेने के लिए। तो आप खुद बनाइए खुद खाइए, देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए जितना सुंदर देखने में लग रहा खाने में इससे कहीं ज्यादा टेस्टी लगेगा, आप देख सकते हैं। क्या बताएं आपको, हम तो हमेशा खाते रहते हैं, बस आप लोग के लिए लेके आए ऐसे साग का डिश बहुत छोड़ा हुआ। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करके जरूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।